महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्लास्टिक बैग तो जानवर खा रहे, पता नहीं जानवरों का क्या होगा। ये प्लास्टिक बैग से बहुत तकलीफ हो रही है। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? क्या साहब क्या कर रहा हूँ, देखो आप ही, एक गटर कितना प्लास्टिक थैली से जाम हो गया है। कितना बार बोला है लोगों को प्लास्टिक बैग मत फेंको गटर में, देखो साहब आप ही देखो कितना जाम हो गया है गटर। करना तो पड़ेगा साहब, ये तो हमारा काम है। कितने दिन कहाँ थी? अरे मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर रही थी ना। हाँ, और तू कहाँ पे थी? मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं मिल पाई। हाँ, बहुत बिजी हो गई है। अरे छोड़ो, मम्मी ने सब्जी लेने को बोली है, चलो वहाँ पे जाते हैं। हाँ, मुझे भी वहाँ पे जाना है। हाँ चलो। मैडम ये लो, 60 रुपए हो गए। भैया आपको पता है प्लास्टिक बैग बंद हो गया है, फिर भी आप उन्हें दे रहे हो। साहब सामान किसमें देंगे हम? और मैडम आपको भी पता है प्लास्टिक बैग बंद हो गया है, फिर भी आप उसमें लेके जा रहे हो सामान। हेलो एक्सक्यूज मी, अगर हम लोग प्लास्टिक बैग यूज नहीं करेंगे तो हाथ में लेके जाएंगे सामान। क्या आपको पता है प्लास्टिक के दुष्परिणाम क्या है? नहीं तो? आप जब प्लास्टिक बैग घर लेकर जाते हो तो उसका इस्तेमाल होने के बाद उसे सड़क पर या गटर में फेंक देते हो। सड़क पर फेंकने की वजह से उसे बेजुबान जानवर खाना समझ कर खा जाते हैं और मर जाते हैं। आपको पता है आप जब प्लास्टिक बैग गटर में फेंकते हो तो उसी वजह से गटर जाम हो जाता है और उस पानी पर मच्छर बैठते हैं और उस मच्छर की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। हर साल करीब 80 लाख टन प्लास्टिक समुंदर में जाता है। हमारे समुंदर प्लास्टिक की बोतल चम्मच से भरे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में समुद्र में मछलियों की जगह प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक खराब नहीं है, हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम उसे लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो आप लोगों को क्या करना है। आपने सही कहा,
हम बिना सोचे समझे प्लास्टिक बैग यूज कर रहे थे। आज से हम भी प्लास्टिक बैग यूज नहीं करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये लो भैया वापस। तो फिर आज से नो।